हर तरफ नेकी की दावत आम हो, हर तरफ नेकी की दावत आम हो। नेक हो उम्मत है नानाए हुसैन। वो चौंका देने वाली बात आपको याद है ना? मुझे याद है, याद है, बता दो। मुझसे ज्यादा तो मेरे ख्याल है ये बेटा, बता दो। आप अपना सवाल दोहरा दें। जी गुरु, आपने जो बताया था कि बापा ने माशाल्लाह सफ़र किया और सफ़र में जो एहतियातें भी बयान की आपने, इसमें ये कि होता ये है कि अमूमन फ़्लाइट लेट हो जाती है, इमिग्रेशन पर लाइनें लगी होती हैं, या सामान लेट आता है तो चेमगोइयाँ होती हैं, सवालात किए जाते हैं कि क्यों लेट हो रहा है, जैसे फजूल गोइयाँ हो जाती हैं, तो क्या ऐसा होता था आपके सफ़र में? बापा ऐसी कैफियत के साथ सफ़र में थे, और जैसे उमूमन हम लोग बहुत सारी चीज़ों में खोए हुए होते हैं ना, एयरपोर्ट पर या वहाँ, मगर ना जाने इनकी ऐसी कौन सी तवज्जो के मरकज इनकी सोचों में बने हुए थे जी जी, और वो किस तरह की सोच के साथ बैठे हुए थे कि दुआ भी हुई, जैसे कि अभी आपने देखा था शुरू में जहाज में पढ़ने वाली दुआ, ये हुआ सब कुछ हो गया। अब हम बैठे हुए ना, फ्लाइट थोड़ी लेट हुई, ठीक है, हमने नमाज भी पढ़ी, मैंने कहा जहाज खड़ा था, हमने फजर पढ़ ली, थोड़ी देर के बाद जी सर्व होता है वो कुछ खाने को आया, अच्छा तो मैंने खाया, मज़े और भी इस्लाम भाई थे, थोड़ी देर के बाद कुछ और आया, डेढ़ घंटा हो गया, एक से डेढ़ घंटा हो गया गम गलत करने के लिए, ठीक है, तो गम गलत करने के लिए, यानी होता ये है कि जो हमें भी यह बताया गया था, एक जगह हमारी भी फ्लाइट लेट हो गई थी, तो कुछ ना कुछ पेश करते हैं कि इनकी तवज्जो बढ़ जाए, ताकि ये मतलब थोड़ी चिखा चिखी ना करें। डेढ़ घंटे के बाद, तकरीबन डेढ़ घंटे के बाद, तकरीबन मुझे बापा ने लिख कर दिया कि हमारी जो फ्लाइट है ये डेढ़ घंटा अगर यहाँ से लेट है, अभी तक उड़ी नहीं है, तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो क्या। अब मैं बापा का मुँह देखूँ और पीछे बाहर खिड़की में देखूँ तो मंजर कैसी कर रहा हूँ। मैंने कहा बापा डेढ़ घंटा हो गया, फ्लाइट हमारी उड़ी हुई है, अल्लाह अकबर, हमारी फ्लाइट उड़ी हुई डेढ़ घंटा हो चुका है, इस वक्त हम 35,000 फीट की बुलंदी पर हैं, और आप उसे डेढ़ घंटे के बाद ये पूछ रहे हैं कि ये फ्लाइट उड़ेगी कब, अल्लाह, ये पता ही बिल्कुल, वो समझाना भी पड़ेगा, ये समझाना ये पड़ेगा कि ये ना ही समझे तो बेहतर है, नहीं ये नहीं राज की बात खोले, बात राज की नहीं है, बात होती है अपने मिजाज अपनी कैफियत की। सही है। मैं उसको यूं समझूं कि एक शख्स जहाज में बैठे जी जी अपना काम लेकर बैठे, और दीगर और हो सकता है सफर के हवाले से किसी हवाले से भी कई जहन में सोचे उलझने वगैरह वगैरह मामला हों, और जहाज उड़ गया, और जहाज उड़ने के मतलब हाथ उड़ने का तो कैसा मंजर होता है, टेक ऑफ जहाज का होना, इट्स नॉट इजी, टेक ऑफ जहाज का होना, ठीक है, और जहाज के मूवमेंट का होना उसका अंडरस्टूड है, मतलब क्या टीवी, देखिए आपने ये कहीं, मैं तो इसको एक, मैंने वो एक क्लिप देखा है वो जो बापा की जो कैफियत है जिसमें, और वो यानी आपने मुझे बताया भी था, तो मुझे दिलाई थी कि पापा भी रिक्कत तारी, वो दूसरी फ्लाइट है, तो वो तो देखिए वहाँ भी ऐसी कैफियत है, फिर यहाँ एक गाड़ी में होता है ना, गाड़ी में ये मेरे लिए तो एक अजीब सी बात थी कि वो एक शख्स इस कदर जहाज में बैठ कर भी जहाज की दुनिया से बाहर है, आनंद, और ये एक
एक कैफियत ही गुफ्तगू कर रहा हूँ। बास हो सकता है इसके ऊपर कलाम करेंगे, यार ये क्या बात हुई, याद उड़ गया, पता ही ना चला, तो ना पता चला तुमको पता चलता है, इनको जो पता चलता वो तुमको पता नहीं चलता, तो जो इनको पता चलता है इनको पता चलता है, इनको इतना पता चलता है कि दुनिया में इनका पता चल गया। अल्लाह अल्लाह। और आप जहाज के उड़ने को देखते रहो, इससे पूरी कौम को उड़ाया गया, इस तरह की कौम को उड़ाया हुआ है, इस तरह की मदीने की तरह परवाज दी हुई है कौम को। तो ये एक कैफियत की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने सुना, ये मेरे लिए वाकई एक नाकाबिले फरामोश वाकिया है, नाकाबिले फरामोश वाकिया है कि बिल्कुल मतलब कि इस कदर बेरगबत और इस कदर कैफो सूर, जैसे हमीदी साहब कह रहे थे कि हमने देखा कि ना ये देखना है ना वो देखना है, हम डरबन में थे, चहलकदमी हो रही है, किसी ने कहा कि बापा देखे तो सही, इतना खूबसूरत मंजर, खूबसूरत सीनरी है, बस वो जब वो है ना, जब से आंखों में समाई है मदीने की बहार, नज़र आते हैं खजा दीदा गुलिस्ता हमको। इस तरह की कैफियत तो मिलती जुलती है वाकई मौलाना अमजद अली आदमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जब ये विसाल शरीफ का वाकई मौलाना अरशदुल कादरी साहब ने लिखा है, तो उसमें जो आखिरी दिनों के अयाम में इस तरह की कैफियत लिखी हैं, तो बल्कि ये पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के भी जब विसाल का वक्त करीब था तो आखिरी अयाम में इनकी भी जो कैफियत थी, तो इतना जज्ब और इन पर ऐसा तारीफ होता है। जी जी, वो कैसी मारिफत की को घड़ियां होती होंगी, अल्लाह मेरा भी कैसी मतलब के राबते की घड़ियां होती होंगी, यकीन मानिए सही है, यानी ये एक मतलब अनबिलीवेबल किस्म की मैं बात की ना, कि आदमी इसको, मैं हकीकत ये कि मैं इसको अपने लफ्जों में क्या डिफाइन करूंगा, जो अकीदत वाला है, मोहब्बत वाला है, अल्लाह के नेक बंदों के मुतालिक बहुत अच्छा और हुस्न ज़न रखने वाला है, नेक गुमान रखने वाला है, वो गालिबन मेरी बातों को समझे कि किस तरह बाज़ पर बाज़ औक़ात किस तरह कैफियत हो कि उनको अपने गिर्द होने वाली कई चीज़ों का अंदाज़ा भी ना हो। और ये मैंने बाकायदा हैरत से पापा, तो बस वो होता है साया, मुझे तो इस वाक्य ने मेरे दिल में अमीर सुन्नत की अजमत और मोहब्बत बहुत पैदा कर दिया। अगर ये टेक्नोलॉजी का दौर है, पढ़े लिखे लोगों का दौर कहलाता है, लोग इस चीज़ को इतनी ज़्यादा अहमियत ना दें, मैंने पर्सनली तो पर, हालांकि मतलब कि हम लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है, जिसको आप पढ़ा लिखा कहते हैं, हम लोग दुनिया में हमने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज की के मुँह देखे हैं और इस तरह की चीज़ें हमने भी देखी हैं, जिस टेक्नोलॉजी से आप फ़ायदा उठाते हो, टेक्नोलॉजी को हम भी किसी तौर पर हाथ पैर मार लेते हैं उसके अंदर, तो ऐसा नहीं। और दुनिया के बहुत सारे ये देखते रहते हैं लोग, एक से एक तबका, एक से एक शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अमीर सुन्नत से वाबस्ता है, लेकिन जिसके दिल में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की अकीदत, मोहब्बत, अजमत, शराफत और इनकी जो बुलंद पाया, जो इनका मनसब है, उसको जिसको जितनी मारिफत नसीब हो जाए, वरना अक्ल को तनकी से फुर्सत नहीं, हम तो एक ही बात कहते हैं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। तो मेरे लिए ये थी, और भी इस तरह के वाकयात अमीर सुन्नत के देखे हैं कि जो आम तौर पर अगर आदमी बात करे तो कहेगा कि यार ये क्या, लेकिन हकीकत है मुझे ये बापा की सादगी और बापा की ये कैफियत मेरे दिल में मेरे पीर की मोहब्बत और अजमत को और बढ़ाती हैं, और बहुत बढ़ाती हैं। यानी इंसान बाज़ औक़ात बाज़ जलवों में और बाज़ कैफियतों में और बाज़ मुशाहिदात में गुम होता है। जैसे कि एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शागिर्द थे, उनका नाम गालिबन ज़ात बायज़ीद बिस्तामी थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, कौन से बुजुर्ग थे वो, दोनों बुजुर्ग थे, एक शागिर्द थे, एक उस्ताद थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा वो ताक से वो सामान लेकर आ जाओ, तो उन्होंने कहा कि हुजूर ताक कहाँ है, कहा इतने बरसों से मेरे पास रहते हो तुमको ये नहीं पता कि ताक कहाँ है, कहा हजरत मैं तो आपको देखने से फुर्सत मिले तो मैं ताक को देखूँ ना। तो अच्छा, और मज़ीद मेरे जहन में रिवायतें कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही है, लेकिन चूँकि मैं नहीं जानता कि इस जगह पर वो सारी बातें बयान करना दुरुस्त है या नहीं है, लिहाजा मैं इसको यहीं मौकूफ़ करता हूँ। तो इस तरह के वाकयात सफ़र में बुज़ुर्गों के साथ सफ़र करें ना, तो बाद वक़्त इस तरह के वाक़यात मिलते हैं और वो हमारे अपने आप को झंझोड़ते हैं कि इस पुरफितन दौर में जहाँ लोगों को बदनिगाही करने से फुर्सत नहीं मिलती और गफलत में पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती, वहाँ ये कैफियत,
और वो टीवी की स्क्रीन सामने हो तो उसके ऊपर चादर लगा देना, कि चादर लग गई तो वो गया, वो अपना काम ही पूरा हो गया ना, क्या चादर। तो इस तरह और बहुत सारे बातें वाकियात इनके इनको जो जहाज़ में बैठ कर जो तश्वीश होती थी, वहाँ के माहौल के मुताबिक जो तश्वीश होती थी, फिर नमाजों का जो टेंशन था ना, अल्लाह की रहमत हो इन पर, यकीन मानिए नमाजों के हवाले, यानी अगर इनको वक्त पर नमाज मिल गई और बिल्कुल एक तसल्ली की तरह नमाज और वजू हो गए ना, अब आप इनको जान ले जाओ, सबसे पहला सवाल ये गया या नमाज कौन सी आएगी ये बताओ। नमाज वक्त पर पढ़नी है, नमाज सही पढ़नी है, इस्तंजा वजू के लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, नमाज के लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, वक्त का मसला ना हो जाए, खाने पीने के हवाले से, तकवा परहेजगारी के हवाले से, और भी यार मैं आपको कुछ और वाक्य सुनाऊंगा तो आपको अजीब लगेगा, यानी सुना दे, नहीं सफर के मामले में भी बापा ऐसा ही वक्त मुकर्रर करते हैं कि जिसमें नमाज ना ऐसी फ्लाइट, अजी नमाज ना ऐसी फ्लाइट। और फिर मुझे भी यार मौका मिला है कईयों के साथ सफर करने का, सही है। एक कुदरती तौर पर जो है ना किसी शख्स के अंदर नमाज के मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, खासियत होती है, एक अजीब व गरीब किस्म की उसकी कैफियत होती है, वो जिसको चाहे अल्लाह नसीब कर दे यार। जैसे बापा अपने हरम शरीफ का हज का वाकया बयान करते हैं, आग लगी थी लेकिन बापा को एक ही धुंधी, मैं अपनी नमाज पूरी कर लूँ, नमाज पढ़ो, लोग अपने कपड़े संभालते थे, आप पानी का जालौन संभालते थे। वो नमाज की जो कैफियत है, नमाज का जो एहतमाम, इस और भी कई मौाक़ों पर मैंने देखा है, मदनी चैनल के सिलसिले हों या मदनी मुजाकरे इस तरह हों, एक कैफियत होती थी कि यार मैं नमाज नमाज में कंप्रोम, यार ये जुमला मैंने बापा से सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि नमाज में कंप्रोमाइज कैसे किया जाए, यानी कि मैं नमाज कैसे तर्क की जाए, नमाज कैसे छोड़ी जाए, वही फराइज पढ़नी है, सुन्नतें पढ़नी है, और जो नमाज का एक शेड्यूल है, मैंने गौर किया इसके ऊपर, जी कि ये क्या है। अब मैंने जो गौर किया यही दुरुस्त तो ये जरूरी नहीं है, अपना इंसान अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर शेयर करता है। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ जब कोई बंदा चलता है, उसकी राह पर चलता है, उसकी मारिफत की तरफ चलता है, उसके दीन पर चलता है, उसकी रिजा वाले कामों में लगता है और उसकी रिजा पाने के लिए एक रास्ते उबूर करता है, तो क्या अजब कि अल्लाह ताला अपने उस बंदे के पीछे अपने बंदों को लगा दे। ये मैं जो ये सफर की मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, इसी सफर के अंदर मेरे जहन में यह बात आई है, ठीक है, लगाता है। अब जब किसी के साथ मखलूक लगती है ना, जी, तो खालिक से उसकी तवज्जो हटाने की भी कोशिश करती है। अब वो मखलूक के लिए बहुत सारे औकात सर्फ कर देता है और उसकी वो इबादतें, वो रियाजतें, वो मामलात जो महज वो अपने खालिक के मालिक के लिए क्या करता था, उसमें अगर कमी वाकई होती है और वो अपने खालिक से कि उस कैफियत जो खालिद के साथ उसका जो मामला था उससे हटकर फिर मखलूक की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, तो डेफिनेटली जो रास्ता ये खालिद की तरफ चल रहा था तो उसके पीछे मखलूक लगी कि इस मखलूक को उस खालिद के रास्ते तक लेकर जाए। अब अगर वही रास्ते से हट जाए, वही रास्ते में रुक जाए, तो मखलूक को वहां तक कैसे पहुंचाएगा। तो जिस रास्ते पर चलते चलते उसके पीछे मखलूक आई है कि उस मखलूक को भी उस मंजिल तक लेकर जाए जिस मंजिल तक वो पहुंच रहा है, तो उसको चाहिए यही कि वो उस मंजिल तक का रास्ता रोके नहीं, बल्कि वो मखलूक की परवाह ना करे कि मखलूक मेरे पीछे आएगी या नहीं आएगी, इंतजार करेगी या नहीं करेगी, बैठेगी या नहीं बैठेगी, कि ये मखलूक जो मेरे पीछे आई है ये मेरी नहीं है, ये मेरे रब ने मेरे पीछे डाली है, मैं रब की बारगाह में आगे बढ़ता जाऊं मखलूक मेरे पीछे आती जाएगी। अगर मैं रब की बारगाह से हट गया, उस कैफियत से हट गया, तो फिर यह मखलूक को रास्ता कौन दिखाएगा। मैंने ये कैफियत मेरे बापा की देखी है, यानी मैं कोशिश की है मैंने अपनी उस कैफियत को लफ्जों के सांचे में डाल सकूं, जबकि मैं अभी मैं अपनी गुफ्तगू में मुतमईन नहीं हूं। इस वक्त जो मैंने बयान किया है मैं इसमें मुतमईन नहीं हूं कि शायद मैं अपनी उस सोच को, अपनी कैफियत को और अपनी उस ऑब्जर्वेशन को शायद लफ्ज के सांचे में प्रॉपरली ढाल नहीं पाया हूं ना, क्योंकि मैं ऐसा फन नहीं रखता कि इन कैफियतों को ऐसे मैं सांचे में ढाल सकूं। लेकिन ये देखा है मैंने यार कि बिल्कुल बड़ी तमानत के साथ, यकीन माने बड़ी तमानत के साथ इनका जो नमाज पढ़ने का अंदाज, रब्बे करीम मुझे इसका सदका नसीब फरमाए, मुझे इतनी मोहब्बत हो जाती है इनसे
इतनी मोहब्बत हो जाती है। यानी बाद औकात हम घड़ी देख रहे होते हैं, लेट हो रहे हैं, अगर ये अपनी नमाज में कोताही नहीं आने देते यार, ये मेरे तमाम दुनिया भर के आशिकाने रसूल बिलखसूस दावत इस्लामी के तमाम इस्लामी भाई और जिम्मेदारान के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमारी इबादतों में कोताही नहीं आनी चाहिए। बाज़ औकात इस राह पर चलने वालों के साथ जो मखलूक वाबस्ता होती है तो मखलूक की चाहत, मखलूक की वाह, मखलूक की तारीफ और मखलूक की तमाम चीज़ों की एक ऐसी लज्जत है कि वो धोखे में आ जाता है शख्स, धोखे में आकर उसको अपनी नफ्स के तौर पर किसी दुरुस्ती का नाम देता है और वो असर रास्ते से हट रहा होता है। ये मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने जज्बात को कोई लफ्ज़ों में लाने की कि इसमें इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने जो हुब्बे जा का बाब बयान किया उसकी भी कुछ इक्तिबा साथ मेरे जहन में आ रहे हैं, कलिमात जुमले मेरे जहन में आ रहे हैं। मतलब बात यह है कि जिस रब की मोहब्बत, जिस रब की मारिफत और जिस रब की रिजा का रास्ता हम जो लेता है उसको चाहिए कि वो रास्ते से ना हटे, वो अपने उस काम में लगा रहे। अल्लाह तबारक व ताला जब इसके ज़रिए अपनी मखलूक को हिदायत देना चाहता है तो वो खुद उस रास्ते पर जमा रहे, जिस रास्ते पर उसने हिदायत लेनी है मखलूक ने उसके ज़रिए अल्लाह की रहमत से। ये एक फ़लसफ़ा है, एक बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है जो मैं सफ़र में यूँ तो देखता रहा मगर इस सफ़र में भी देखता रहा, क्योंकि सफ़र में बाद वक़्त कोताहियाँ आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें लूज़ हो जाती हैं, रोज़ों में आदमी कंप्रोमाइज़ कर जाता है, तकवे के कई मामलों में कंप्रोमाइज़ कर जाता है, नवाफिल और इबादत के मामले में कंप्रोमाइज़ कर जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आदमी कंप्रोमाइज़ कर जाता है और सेक्रीफाई कर जाता है और उसको इग्नोर कर लेता है और उसको किसी और शे का नाम दे देता है। लेकिन ऐसा अमीर अल सुन्नत की ज़ात में नहीं है। ये दावत इस्लामी वालों, अमीर सुन्नत मोहब्बत करने वालों, तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि तुम्हें मेरे बापा का दामन मिला है। मुझे इस बात पर फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं उस शख्स का मुरीद हूँ जिसका नाम इलियास कादरी है। अल्लाह ताला मेरी निस्बत सलामत रखे, मुझे सच्चा रखे, मुझे मुनाफ़क़त से बचा कर रखे। लेकिन ये इल्म, ये तकवा, ये परहेजगारी और ये हुब्बे जा से बचते हुए और इखलास के साथ इस्लाह उम्मत के दर्द के साथ ये जो कैफियतें मैं देखता हूँ, यानी बंद कमरे में जो इबादतें, बड़े बड़े सफ़र करने वाले, अगर मैं करता हूँ, आप करते हैं, हम जो भी सफ़र करते हैं, इस सफ़र के दौरान हमारी वो इबादतें जिनको आप इनफरादी इबादत का नाम देते हैं, उन इबादतों में कितना फ़र्क आता है नहीं आता, इसका फैसला हम करें। यानी अल्लाह ने हमारे, अगर अल्लाह ने हमारे साथ कोई मखलूक लगा दी तो वो मखलूक के साथ अगर खालिक की रजा के लिए ही बैठे हैं इबादत के लिए, जबकि फ़राइद और वाजिबात और सुन्नत और नवाफिल, इस्पेशली सुन्नत मुकदा तक के मामले में अगर कोताही नहीं आती, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। औराद, वज़ाइफ, तस्बीहात, फिर कुफ्र मदीना, मौके महल के मुताबिक कलाम करना, फिर खामोश रह जाना, मतलब इतनी डिस्कशंस हैं इस मौजू पर कि अगर आप, हम तो खैर सिलसिला लेकर चल रहे हैं लेकिन मैं मुबालगा कर रहा हूं, अगर मुझसे आप हर क्लिप पर आधा घंटा बुलवाओ ना, शायद मैं बोल दूंगा, शायद कि ये क्या था, ये कैसे था, ये क्या हो रहा था, किस तरह हो रहा था, इस पे बापा क्या सोच कर गए थे, जो मशवरे होते थे, आखिर वो अटेम्प्ट क्यों किया गया, आखिर वहां क्यों गए, आखिर वो नीयत क्या की थी, आखिर वहां क्या पहुंचे थे, उससे क्यों लिया था, उसका क्यों हाथ पकड़ा था, उसके क्यों गले में हाथ डाला था, उसको क्यों कार में बैठाया था, उसको क्यों तस्वीर दी थी, या अल्लाह ये सब क्या कर रहे थे मेरे लिए सुन्नत। और फिर इसमें बादों का जो वजाहत करनी होती थी, इट्स अनबिलीवेबल एंड रियली ही इज द वन ऑफ द आइकन ऑफ क्या कहेंगे, इस्लामिक पर्सनैलिटी, इस्लामिक आइकन, इस्लामिक आइकन कहलाएंगे ये, वन ऑफ दी। अल्लाह के नेक बंदों की कमी नहीं है दुनिया में। और फिर वहां पर तरीकत, सलासिल, कादरी और सोहरवर्दी, नक्शबंदी, चिश्ती, इन सिलसिलों पर जो मशवरे हुए, इनसे मुतालिकीन पर जो मशवरे हुए, दावत इस्लामी वाला कौन, क्या अत्तार ही दावत इस्लामी वाला है, इसके अलावा भी इस पर सवाल जवाब हुए, इस पर काफी कलाम हुआ, आला हजरत की शख्सियत के बारे में सवालात हुए, इस पर कलाम हुआ,
और फिर कलाम होता था, नारा लगता था, कलाम होता था, नारा लगता था। कामिल का कलाम ही कामिल है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जाहिर है, ये लगता यही है कि ये इस किस्म की डिस्कशंस जो हैं वो उलमा से भी हुई होंगी, क्योंकि बाज़ इल्मी मसाइल भी होते हैं जो कैलिबर। गुलाम मसूद भाई, हम लोग जो है ना वो कहते हैं जब नोटे ज्यादा हो तो आदमी खर्च ज्यादा कर देता है, बापा का ये नहीं है। पब्लिक ज्यादा होने पर भी बापा वैसे ही जैसे मेरे पास पब्लिक कम है, यानी एक एक को संभालते हैं। माशाल्लाह। कि आलिम हो या आम इस्लामी भाई, सही, किसी का वजन होना, किसी को गैर मुतमईन होना ना, इनकी इनको नहीं मजा आता। जब इस्तमा जिन दिनों होता था, ये तो उन दिनों से आप कहते हुए आ रहे हैं, फरमाते हैं कि किल्लत और कसरत हमारी मंजिल नहीं है, रज़ाए इलाही हमारी मंजिल है, हम लाखों जमा कर लें। तो वही कि बापा सब पर तवज्जो रखते हैं। ये हम सब के लिए ये सिलसिला दिखाने का मकसद यही है कि इनका आना जाना, उठना बैठना, या वो बातें जो कैमरे में नहीं आ सकी, हम नहीं ले सके, और वो चीज़ें जो हमने देखी, इनकी कैफियत जो हमने देखी। फरमाई आपने कि इनफरादी इबादत और ये नमाज, हमने यहाँ घर में सफ़र का मौका साथ मिला है, सफ़र में भी देखी है नमाज, आप इतने दिन साथ रहे हाल ही में, तो ये नमाज जो इत्मीनान है नमाज का, हमारा तो बयान होता है, मदनी मशवरा होता है, तो हम नवाफिल छोड़ देते हैं, सुन्नतें भी हम छोड़ देते हैं, हम फौरन नमाज के बाद चले जाते हैं, इस्लामी भाइयों को लेके बैठ जाते हैं। ये बापा की, हालांकि बापा से ज़्यादा कौन मसरूफ़ होगा तंजीमी तौर पर मदनी कामों के हवाले से। मोहम्मद कासिम साहब मुंतज़िर लाली ने एक बहुत खूबसूरत बात मुझे कही थी, हम मशवरे में थे, क्या कि एक बात मैंने अमीर सुन्नत की देखी है कि काम सारे हो जाते हैं मगर इत्मीनान से हो जाते हैं। इनके कामों में इत्मीनान है, ये ठहराव है तबीयत में, और हर काम अपने वक्त पर हो जाता है। मैं समझता हूँ कि ये तकवे की बरकत है, वक्त में बरकत है, तकवे की बरकत है कि इनके काम हो जाते हैं अपने वक्त पर। हम जल्दबाज वाकए हुए हैं, आपको क्यों करना मेरे काम बने गैब से हसन, क्यों कर ना मेरे काम बने गैब से हसन, बंदा भी हूँ तो कैसे बड़े कार साज का, बंदा भी हूँ तो कैसे बड़े कार साज का, बंदा तो बन जाए तो काश। तो ये एक क्यों समझे कि दबे हुए मेरे एहसासात है, बापा की सीरत पर ये पहली बार इस तरह के कोई जज्बात मिले हैं। हम सब के लिए अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी इबादत और रियाजत में लज्जत अता फरमाए, यानी कि हकीकत ये है कि लज्जत इबादत में होनी चाहिए। अब वो मखलूक के बीच में भी अगर इबादत की नीयत से बैठा है तो लज्जत मिलेगी, अगर इबादत में लज्जत है तो वो मखलूक के साथ हो, खलवत में हो कि जलवत में हो, वो उसको इबादत में लज्जत मिलेगी। अल्लाह की रिजा में अगर उसको लज्जत मिल रही है, अब अल्लाह की रिजा से निकल कर वो औरों में लज्जत निकालने की कोशिश करता है और अपनी नफ्स के धोखे में उसको नाम रिजा इलाही और इबादत का देता है, तो अब उस पर गौर कर लिया जाए। ठीक है, ये एक बारीक सी बात है और समझने की जरूरत है कि नहीं आता, मतलब लोगों में हमें इशराक चाश याद आती है, लोगों में हमें तहज्जुद याद आती है, लोगों में हमें अव्वाबीन याद आते हैं, लोगों में सूरह यासीन याद आती है, लोगों में सूरह मुल्क याद आती है, लोगों में बहुत सारी बातें याद आती हैं, अकेले में क्यों नहीं आती? लोगों में नीयतें याद आती हैं, लोगों में बहुत कुछ याद आता है, लोगों में निगाह नीची रखना याद आता है, लोगों में शराफत याद आती है, लोगों में मुस्कुराहट याद आती है, लोगों में सब कुछ याद आता है। अगर ये काम लोगों के लिए नहीं, अगर लोगों में भी इसलिए कर रहा है कि खालिक की रिजा चाहता है, कि खालिक समीय बसीर है, रब करीम समीय बसीर है, वो देखता और जानता है, अगर खालिक के लिए मखलूक के अंदर ये काम कर रहा है, कर खालिक के लिए रहा है, कर मखलूक में रहा है, मगर रिजा खालिक की चाहता है, तो वही खालिक जो मखलूक में देख रहा है और अपने कर्म से तुझे सवाब दे रहा है, वही खालिक तुझे तनाई में भी तो देख रहा है। यानी इसको इसके रिवर्स में मैं अर्ज करता हूं, रिवर्स में, कि
सदर फाजिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह खजान इरफान तफसीर कुरान के एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि अगर ये पूरा खुलासा अर्ज कर रहा हूँ ये जो कुछ फरमा रहे हैं, अगर तू लोगों में गुनाह से बचता है और अकेले में नहीं बचता, अगर लोगों में गुनाह से बचने लोगों में इसलिए तो गुनाह से बचता है कि अल्लाह की ना फरमानी है तो अकेले में क्यों नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तू लोगों में गुनाह से इसलिए बचता है कि तू लोगों की मजम्मत से डरता है ना कि खुदा का खौफ। ऐसे शख्स को गुनाह से बचने का क्या सवाब मिलेगा कि वो अल्लाह की रिजा के लिए बच कब रहा, इस पर गौर की हाजत है। हम लोग की बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है हमारी, मतलब के हमारी खलबत और हमारी जलवत में जमीन और आसमान से ज्यादा फर्क है। इस फर्क को मिटाना बहुत जरूरी है वरना कयामत के दिन शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। यानी हमारी मुस्कुराहट, हमारा देखना, हमारा पहनना, जैसे बाबा फरमाते हैं कि घर में भी तो मामा शरीफ सर पे सजाओ ना, जिस रब की रिजा के लिए मामा शरीफ लोगों में पहना है तो घर में क्यों नहीं। तो बहुत सारी कैफियत ऐसी होती है कि इंसान को वो उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और ये सफ़र में भी और भी कई मकामात पर अमीर सुन्नत के साथ अकेले में रहने का जब भी मौका मिलता है तो वो चीज़ें नज़र आती हैं। वो अपनी तनहाई को या अपने औकात को अल्लाह की रजा के कामों में खर्च करते हैं। जैसे लोगों से मौका मिला उन्होंने तस्बीह ली और चहलकदमी शुरू कर दी क्या कि मेरे अपने वक्त के औरादो वज़ाए पूरे कर लूँ, क्या हम लोग कर लेते हैं। सफ़र में कई मकामात पर रोज़े नहीं रखे जाते, इनसे रोज़े नहीं छोड़े जाते, हमसे रखे नहीं जाते तो छोड़े नहीं जाते, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वो कैफियात है। यानी अब आपको ये कहे कि जनाब ये तो बापा हैं, ये ना कहिए यार ये तो बेबी के तो ये बापा हैं, लेकिन इनका ये अमल क्या हमारे लिए काबिल तकलीद नहीं है। अंगूर मतलब अंगूर हाथ अंगूर खट्टे वाला हिसाब तो नहीं ना है कि अब कर नहीं सकते तो ये तो बापा हैं, ऐसा नहीं करें। अल्लाह मुझे भी तौफीक नसीब करे। यानी ये बातें जो मैं कह रहा हूँ मुझे पसंद बहुत हैं, अल्लाह मुझे अमल का जज्बा नसीब करे। मैं नहीं कहता अमल है, अल्लाह मुझे अमल का जज्बा नसीब करे, अच्छा लगता है। और ये अच्छा लगना क्या पता मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। अवारिफुल मारिफ में शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला इस तरह का मजमून इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम नेक लोगों के तस्करे पढ़ते हो तो तुम्हारा दिल जैसे डूबने लगता है कि हम कहाँ और वो कहाँ। तो तुम ये चीज़ें पढ़कर पीछे मत हटो, डटे रहो। अगर तुम अल्लाह के नेक बंदों जैसे ना भी बन सके तो इनकी मोहब्बत कयामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन सकती है। कि कयामत के रोज जो जिससे मोहब्बत करता है उसको उसके साथ उठाया जाएगा। तो तुम इनकी मोहब्बत में तो लगे रहो और इनकी इताअत और इनकी तकलीद में लगे रहो और इनके अफआल और आमाल को बजा लाने की कोशिश करो ताकि ये सफर की बरकत है। लोग दिलों को चोट हमारी शख्सियत क्या देगी, बयान में तो वैसे ही जादू होता है। असल तो कि आदमी चुप बैठा हुआ है कुछ भी नहीं बोल रहा और सामने वाला चीखे मार के कपड़े फाड़ दे और रोना शुरू कर दे, उसको देख के उसकी कैफियत बदल है। क्योंकि ये नूरे ईमानी से कैफियत बदलती है, ये नजरों से कैफियत बदलती है। इसकी अपनी अमल के अंदर एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी रूहानियत और ऐसी कशिश होती है जिसको आज आप एक्सरे की दुनिया में वेव्स कह लीजिए। कहा मशीन होते कहा बंदा होता है, वो जाती है उसको पार करके उसका एक्स निकाल के दिखा कर दे देती है। तो अल्लाह तबारक तआला अपने जिन बंदों में तकवा परहेजगारी सी चीज़ें अता फरमाता है उनके करीब बैठने वाले तब्दील हो जाते हैं। आज हम जाते हैं साहिब मज़ार अपने ज़ाहिरी जिस्म के साथ हमारे सामने नहीं है, हम सिर्फ इनके मज़ार के साथ बैठते हैं और हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। ये उनकी रूहानियत है, ये उनका नूर ईमानी है जो आने वालों को नवाज रहा होता है। यही औलिया कराम की ज़ाहिरी हयात होती है कि ये इनके करीब रहने वाला, अब करीब रहने वाला भी अगर महरूम रह जाए तो उसके नसीब की बात है। तो जो सिलसिला आपको दिखाया गया है इस सिलसिले को जहन नशीन रखिए और दुनिया में कहीं भी सफर करें, चाहे आप दावत इस्लामी के माहौल के करीब हैं दूर हैं, आप सुन्नतों के पेकर हैं
या नहीं है, नहीं है तो बन जाइए। और सफ़र में नज़र की, ज़बान की हर तरह से हिफाजत, खाने पीने के मामले, तकवा परहेजगारी, इनफरादी इबादात का मामला, इन तमाम चीज़ों को लाजमी तौर पर रखना चाहिए। और इसमें यह भी होता है कि बाज़ औक़ात जाने वाला एक मुख्तदा की हैसियत रखता है, इसको लोग फॉलो कर रहे होते हैं जो मुहिब देख होते हैं, तो वो इसलिए ना पढ़े कि मैं पढ़ूंगा तो ये पढ़ेंगे, पढ़े इसलिए कि मैं रब के लिए पढ़ रहा हूँ। सफ़र के साथ साथ हज़र में भी हर वक्त घर में भी अल्लाह तौफीक नसीब। मैंने कहा ना कि अमीर सुन्नत के ये अंदाज बने ऑलरेडी हैं और वो पब्लिकली आ गए, वो मीडिया में आ गए। पब्लिकली आने के बाद, मीडिया में आने के बाद आपकी रूटीन में फ़र्क नहीं आया, आपकी वही रूटीन थी जो पब्लिकली आ गई, आपकी वही रूटीन थी जो मीडिया में आ गई है। अगर आप पब्लिक को हटा दें, मीडिया को हटा दें, इनकी अपनी रूटीन बाकी है, ये मेन चीज़ है जिस तक पहुंचना है। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपनी आदत को ही ऐसी बना लें। अब वो आदत के साथ, आप पब्लिक में गए, मीडिया में गए, कैमरे के सामने गए, जो भी गए, आपकी कैफियत में क्यों तब्दीली आ रही है? बंदों के साथ एहतियातें, बंदों के साथ मामलात, बंदों के लिए कुछ मामलात, उसकी तख्सीस अलग है, मगर मेरा या मौजू जुदा है, जो समझने वाले समझ सकते हैं। काफ़ी तफसील हो गई माजरत के साथ। जज़ाए खैर अता फरमाएँ। मुख्तलिफ़ डायमेंशन पर जिस तरह आपने रहनुमाई की और बिलखसूस अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया के जिन पहलुओं को आपने उजागर किया वो अपनी मिसाल आप थे। अल्लाह ताला आपको अज़ीम जज़ा अता फरमाए। मज़ीद जो वीडियो तासुरात है वो दिखा दीजिए, खुसूसन उलमा के पहले जितने भी वीडियो बने हुए ना सब चल जाए। खादिम सैयद इमरान ज़ियाई फ्रॉम द CTIEC इन केप टाउन साउथ अफ्रीका, ज़ियाउल उलूम। अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू द फ़ज़ल ऑफ अल्लाह सुबहान व तआला एंड द मर्सी ऑफ हिज बिलव्ड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन द पास्ट फ्यू आवर्स दैट वी हैव हैड अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पेंडिंग आवर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ हिज एमिनेंस हज़रत साहब, अल्हम्दुलिल्लाह we find that he is a personality that is like, alhamdulillah, a personality who follows the holy Quran and the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a personality who showed us such kindness, such love that we never expect, alhamdulillah, a personality who is down to earth, a personality who is humble, a personality that you cannot describe and words cannot describe, a personality who worries more about the service of the deen and the service of Islam more than anything else. And alhamdulillah, we make dua, may Allah subhanahu wa ta'ala allow us to be like these great sages of Islam and like Hazrat, and to follow in his footsteps inshallah, that we can allow to correct ourselves and to correct as many Muslims as possible, safeguard ourselves from the fire of Jahannam. Our personal experience in the brief time that we came from Cape Town, alhamdulillah, Hazrat in every moment that we shared with him was one that every time we felt unique and we felt special. And he showered his love and his blessings, and he has given us gifts and various other blessings, alhamdulillah, and his du'as. This is something very rarely found amongst great personalities. And no matter who we are, alhamdulillah, this type of respect, alhamdulillah. And we humbly request, may Allah subhanahu wa ta'ala make each and every one of us to follow in the footsteps of this great eminence, and may Allah subhanahu wa ta'ala allow us that we may be amongst those who can serve the deen of Islam as Hazrat did inshallah. Alhamdulillah, the movement of the Dawat Islam movement, as we know, is for no other reason but the reason of propagating the Quran and the Sunnah, and it is to ensure that as many Muslims as possible we can safeguard ourselves from the fire of Jahannam, and we can inshallah improve ourselves with our character. And alhamdulillah, various lessons in this 48 hours that we spent, various lessons we learned, and amongst one of the important points that I learned, for me that is a new knowledge or knowledge that will polish myself, is that Hazrat mentions Dawat-e-Islam is not a certain group that is only followers of Hazrat. Dawat-e-Islam is for every single person
who is the lover of the Quran and the Sunnah and to follow the deen of Islam. Alhamdulillah, Hazrat welcomes every person to Dawat-e-Islam. And Alhamdulillah, this is our view. May Allah subhanahu wa ta'ala allow institutions of this nature to continue to spread the deen of Islam, inshaAllah. Just to share my experience here with Qibla Amir Ahl Sunnah, Mawlana Ilyas Qadri Sahab, it's very heart-fulfilling and very great work that Dawat-e-Islami is doing. The Hazrat, he's inculcating in the followers that they mustn't only follow Islam, but indeed they must love Islam. And by them loving Islam is by loving the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat educated us in this time that if you do not have knowledge, then you shouldn't be speaking of Islam. And you should go back to the learned people and get the knowledge of Islam. We learn about the humbleness of Sheikh. And may Allah subhanahu wa ta'ala give the mission of Dawat-e-Islam more strength and let them have more followers and let them follow in the mission of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ta'ala. Ye kuch niyatein aayi hain mujhe Johannesburg se. Labbaik, labbaik. Ke Islami behnon ki kuch niyatein aayi hain. 5 new haftawar ishtima, weekly ishtima. Mashallah. 351 dars, 2 time daily. 351. 6 new ilaqai dars. Ilaqai dora. Theek hai. 51 Islamic sisters Madani Burqa. 23 Islamic sisters joined Madani Mahol. Jo shayad karkardegi hai ya wo jo bhi hai. Aur Islami brother Johannesburg Attari Kabina, new intentions. नई नियत है 52 दर्स डेली 2 टाइम्स अ डे 26 इस्लामी ब्रदर्स फॉर 3 डेज मदनी काफिला मंथली 30 डेज इत्तकाफ बाबुल मदीना अभी तक 34 इस्लामी भाई इनके तैयार हो चुके हैं मदरसतुल मदीना बालिगान 49 हफ्तावार इज्तिमा 152 वीकली नियत्स फॉर इज्तिमा दे विल नॉट मिस 152 सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद और वीडियोस तासुरा चला दीजिए मेरा नाम मोहम्मद शरीफ अत्तारी प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में मैं रहता हूं जब निगराने शूरा हाजी इमरान अत्तारी साहब मेरे घर में तशरीफ लाए और उसके बाद अल्लाह के बहुत फजल व करम हुआ अमीर अहले सुन्नत हज़रत अबू बिलाल मोहम्मद इलियास कादरी साहब की खुसूसी निगाह करम का तालिब हूँ मेरी मुलाकात अमीर अहले सुन्नत से हुई और मेरा रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा साउथ अफ्रीका आए और ज़्यादा वक्त के लिए आए मैं और हज़ारों इस्लामी भाई इनके दीदार के इंतज़ार में हैं और मैं बापा जान को दावत देता हूँ कि वो मेरे घर आए माय फर्स्ट मुलाकात विद बापा जान वाज दैट फ्राइडे इवनिंग व्हेन आई जस्ट सीन बापा जान इट वाज दौ एज इफ देयर वाज इलेक्ट्रिक करंट गोइंग थ्रू माय बॉडी आई कैन नॉट एक्सप्रेस दोज फीलिंग्स यू हैव टू एक्सपीरियंस इट फॉर योरसेल्फ I had the opportunity of traveling from Pretoria to Johannesburg. I too want to follow the footsteps of Bapa Jan. In other words, the simplicity that I seen in Bapa Jan. He lives a life, he leads a life of total simplicity. And that is what I want to adopt, inshallah. Azzawajal. Ghibat ke khilaf jang. जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल बहुत कुछ दिखाने का बताने का वापसी के मनाज़िर आइए आपको दिखा देते सारे दे दना में नशे में
چشم سر دے دا زلفان نا او زر دے دا پیزارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا اللهم سیدی تارا سیدی تارا جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر مگر ہونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو مگر ہونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو سیدی تارا سیدی تارا یہ واپسی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے اور امیر سنت کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مدنی کاموں کو کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانائے حسین